नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। महंगाई और गरीबी से जूझ रहा पाकिस्तान अब खुद को बर्बादी की राह पर धकेल रहा है। वह चीन से महंगे जेट खरीदने की तैयारी में है। आर्थिक तौर पर बुरी तरह टूट चुके पाकिस्तान पर कर्ज रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। बता दें, फिर भी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा है। चीन से स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 खरीदने को तैयार है। पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। पड़ोसी मुल्क लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन अपनी जिद को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। बता दें कि पड़ोसी मुल्क लगातार चीन से स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 खरीदने की बात पर अड़ा हुआ है, जबकि पाकिस्तान में आटा, चावल और अन्य खाद्य सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ महंगाई की दर 30% पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। वहां आटा के दाम 140 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गए हैं। चावल के दाम तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वहां एक किलो चावल 350 से 500 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। वहीं एक दर्जन अंडे 378 रुपए पाकिस्तानी रुपए में मिल रहे हैं। वहीं पेट्रोल के दाम 218 रुपए तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में महंगाई दर 30% पर पहुंच गई है। हालात ये हैं कि सितंबर 2023 तक ही पाकिस्तान में विदेशी कर्ज $128 बिलियन तक पहुंच चुका था। अगर पाकिस्तानी रुपए से तुलना करें तो यह राशि 36 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए होती है। कंगाल पाकिस्तान का आजकल यही हाल है। फिर भी लगातार कर्ज लेकर भी पीने वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। अब बहुत चीन से स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। बता दें, पाकिस्तान में लोग परेशान हैं। आटा, दाल, चावल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे नेता और सत्ता की डोर थामे पाकिस्तान आर्मी को आम पाकिस्तानी जद्दोजहद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।